रेवोल्यूशनरी डे है, वो रेवोल्यूशनरी डे इसलिए है क्योंकि जिस चीज का इनोवेशन फैक्ट्री, हाँ ओके, जिस चीज का इनोवेशन फैक्ट्री और आप सब जितने भी 12.5 मिलियन कम्युनिटी है, ये हम पिछले लास्ट 2.5 ईयर से वेट कर रहे थे किस चीज का, कि दुनिया की बेस्ट एक्सचेंज जो है वो हम लोग दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाएं, जो कि दुनिया की पहली एक्सचेंज होगी जिसमें क्रिप्टो और फॉरेक्स आप एक साथ ट्रेड कर सकेंगे। तो उसका 1.0 एक्सचेंज ऑन 1.0 वर्जन जो है वो हम इसको लाइव करने जा रहे हैं आज। तो लाइव जाहिर है, जब इतना बड़ा हमारे लिए दिन हो और इतना इंपॉर्टेंट डे हो तो हम इसको ऐसे लाइव नहीं करना चाहते थे। हम चाहते थे कि इस स्पेशल मोमेंट में कुछ स्पेशल, यानी कि मजीद इसको स्पेशल किया जाए और इसमें कुछ स्पेशल गेस्ट और स्पेशल यानी के आइकॉन्स जो हम, जिनसे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं हम सब लोग, ठीक है, तो वो हमारे साथ होने चाहिए। तो हमने रिक्वेस्ट की जी, और आपको पता है कि हमारे बहुत ही प्यारे और हम सब जिनसे बचपन से, आज हमारी इस कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, हम तमाम लोग बचपन से आज तक, एक ऐसा शख्स है जो हमारे लिए इंस्पायरेशन भी है, जो हमारी कह लें कि बचपन से जिनकी हमारी ड्रीम होती है कि यार हम उनसे एक दफा मुलाकात कर लें, एक दफा हम एक पिक्चर ले लें, या उनके साथ हम अपनी लाइफ के कुछ लम्हात जो है, जो कि हमारी जिंदगी के खूबसूरत लम्हात हों, हम उनको गुजारें। तो आज आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, और वो सरप्राइज क्या है कि हमारे साथ आप सबके बहुत प्यार प्यारे और हम सबके संजू बाबा, वो हमारे साथ हैं, ठीक है, बाबा हमारे साथ हैं, जो कि हमारी पूरी इनोवेशन फैक्ट्री की जो बैकबोन है, इनोवेशन फैक्ट्री का जो प्रोजेक्ट है एक्सचेंज ऑन, इसको अपने प्यारे प्यारे हाथों से आज केक कटिंग सेरेमनी करेंगे और इसको लाइव करेंगे। तो यहाँ पे मैं चाहूंगा कि हम थोड़ी सी डिस्कशन बाबा से करें। जी ये जी बाबा, आपको पता है कि हम लोगों ने पिछले 2.5 साल से दिन रात मेहनत की है, और उस मेहनत का आज हमें फल मिलने जा रहा है। आज जो 2.5 साल की मेहनत थी, आज हम उसका स्टार्ट लेने जा रहे हैं। अभी 2.5 साल में हमने जो भी किया वो जस्ट अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी कम्युनिटी की ग्रोथ के लिए, अपने प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट और एक ग्राउंड को बनाने के लिए किया था। लेकिन आज हम फर्स्ट स्टेप लेने जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। तो मैं चाहूंगा कि आप, क्योंकि हमें जानते हैं और आपको इनोवेशन फैक्ट्री का, हमारी एफर्ट का, आप क्योंकि बहुत कम अरसे में आपका और हमारा वो रिलेशन बन चुका है जो कि कह लें कि सदियों में लोगों का नहीं बनता। और अगर हम इसको ये कहें कि जब दो किंग मिलते हैं तो दुनिया में कुछ बहुत बड़ा होता है, इसी तरह बाबा जो कि एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े किंग है, और उसी तरह इनोवेशन फैक्ट्री या ओके मैं, ठीक है, अगर हम एक साथ हुए तो, और इतना बड़ा काम जब करने जा रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले उमर भाई, मैं आपको उमर भाई बोलता हूँ। थैंक यू। आपको दिल से भाई मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके लिए मैं कोई आइकॉन नहीं हूँ, शायद आपने मुझे फॉलो जरूर किया हो, रिश्ता बन गया है दिल का। यस। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, फख्र है कि आपने इतना बड़ा काम किया है इतने छोटे वक्त में, और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा जी। और बस आप सिर्फ फोन उठाइए, मैं हाजिर रहूंगा। नहीं नहीं बिल्कुल। और बाबा ये मैं ऊपर वाले की मेहरबानी, हमारे जो लीडर्स कम्युनिटी है, इनकी दुआएं और इनकी एफर्ट्स इसमें हम लाजमी कहेंगे, क्योंकि यहाँ तक अगर हम बात करें पहुंचे हैं तो अकेले नहीं पहुंच सकते थे। इसमें हमारे बहुत सारे लीडर्स जो कि हमारे साथ, एक वक्त ऐसा भी था कि जब हमारी
5,000 लोगों की 2,000 लोगों की जूम होती थी, तो एक डाउनफॉल ऐसा है कि हमारी सिर्फ 60 लोगों की जूम होती थी। वो 60 जो पिलर थे ना जो हमारे साथ खड़े रहे, आज उनकी वजह से हम 25,000,000 लोग हैं। तो मैं उनका भी थैंक्स करना चाहूंगा कि आज के इतने इंपॉर्टेंट डे में वो हमारे साथ है। और बाबा आपका तो हम जितना थैंक्स करें, क्योंकि आपसे जब मिले नहीं थे, मुलाकात नहीं हुई थी, तो मैं ये सोचता था कि यार इतना बड़ा नाम है बाबा, इतनी बड़ी पर्सनालिटी है, तो कोई ईगो या कोई एक वो होता ना, एक एरोगेंस इस टाइप की कोई चीज। लेकिन लिटरली मैं बड़े सबके सामने बता रहा हूँ कि जब मैं पहली दफा मिला, उस वक्त ही मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह मेरे बाबा का मैं सगा छोटा भाई, आपने उस तरह का मुझे प्यार दिया। जो भी आप पैसा बनाए, जो भी अल्लाह करे भगवान करे, आप बहुत बहुत पैसा, लेकिन उसमें से थोड़ा हिस्सा जो कैंसर के मरीज, यस, उनको आप और मैं मिलके उनकी मदद करनी चाहिए, जिनको मतलब पैसे नहीं है जो ट्रीटमेंट के लिए, जो गरीब है, बिल्कुल, उनको हमको एज अ कम्युनिटी, एज ब्रदर्स, उनकी बाबा मदद। इसके लिए फिर मैं आपको एक करता हूँ कि ये जब पहली दफा मिले थे, आपने मुझे कहा था कि मैं ड्रीम है कि मैं आम जनता के लिए कैंसर हॉस्पिटल, वेलफेयर हॉस्पिटल बनाऊ, तो मैंने आपसे कमिटमेंट की थी कि हम आपके साथ हैं, ठीक है। और आज के बाद से हमारी कम्युनिटी भी साथ है, और हम इतना बड़ा, जितना बड़ा ये आपका ड्रीम है ना, ये हम दोनों मिलके अकेले नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ा है। जब हम एक जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हमने एक इंडिया की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को इस यानी कि इस मामले में उनकी हेल्प करनी है, या जो चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आपका जो ड्रीम है, तो इसमें सिर्फ मैं नहीं, इसमें आपने हमारी पूरी कम्युनिटी इसमें शामिल है। और मैं बल्कि इस तरह का कोई प्लान भी इसमें ऐड करता हूँ जिसमें हर बंदा अपनी इनकम का छोटा सा पार्ट जो है वो इस पार्ट में डाले, ताकि थोड़े थोड़े पैसों से किसी को फर्क भी ना पड़े, और ये एक बहुत बड़ा एक कहने के पुण्य का काम जो है वो हो जाए। तो इसके लिए सिंपल ये है कि हम ज्यादा नहीं करते, हमारी अगर कम्युनिटी इतने यहाँ से डेली का 5-5, 10-10 डॉलर कमाते हैं, ठीक है, अगर वो सिर्फ उसका 1%, ठीक है, या 0.1% भी, $100 भी पर डे अगर वो दें, तो ये बहुत बड़ा और ये वो काम है जिसमें ये जो थोड़े से पैसे होंगे ना, ये लोगों को ऊपर वाले ने मल्टीप्लाई करके वापस देने, ये तो एक कुदरत का कानून है कि जितना आप ऊपर वाले की रास्ते में देंगे उससे कई गुना ज्यादा वो देगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला किसी का एहसान नहीं रखता, ठीक है ना। तो बाबा हम साथ हैं, मैं इसका बहुत जल्द एक मैकेनिज्म बना के एक आपका, आपके नाम से या ट्रस्ट के नाम से जो भी आपका अकाउंट होगा, हम उसमें जो है साथ लिंक कर देंगे, ताकि लोगों का जो है वो उसमें, और क्योंकि जब आपसे मिले थे तो जिस कॉज के ऊपर इनोवेशन फैक्ट्री चल रही है कि यार आम बंदे की जिंदगी में बेहतरी है, तो आपका भी वही कॉज, ठीक है। तो जब हम दोनों का एक कॉज है, तो मुझे पता है कि जो रेवोल्यूशन ऊपर वाला हमसे करवाने जा रहा है, तो अल्टीमेटली दुनिया देखेगी कि दुनिया भी यहाँ से फायदा उठाएगी, आम लोग भी यहाँ से उनकी जिंदगियां बदलेंगी और बदल भी रही है, तो अल्टीमेटली इनोवेशन फैक्ट्री को लोगों की दुआओं से कहां ले, कुछ इस तरह से कि ऊपर से की ऊपर से पूरा जी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जी गार्ड रेडी है, तो आज आपकी एक्सचेंज लाइव होने जा रही है, तो मेरी तरफ से आप सबको मुबारकबाद, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।
और आज सबकी तरफ से बाबा के लिए हार्ट्स आने चाहिए और इतने हमारे आज यहाँ पर मौजूद है। थैंक यू कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन सबको सबको सर सर थैंक यू बहुत बहुत आपको भी सर हमारे को हम सबकी आज बात शाम और गाइस आज हमारे दरमियान में जो पर्सनैलिटी मौजूद है रियली अनबिलीवेबल है। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे बट आज इनोवेशन फैक्ट्री का वो हिस्सा है, हमारे साथ है, उन्होंने इतने भरपूर अंदाज में हमारा और हमने उनका हाथ पकड़ा है और इंशाल्लाह हम दुनिया को वाकई दिखा देंगे कि इनोवेशन फैक्ट्री कहाँ पर आती है, दिल में आती है, दिमाग में नहीं आती। तो एक्सचेंज ऑन जो है ये जिस मोटो के ऊपर हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं ये मैं आपको बताऊं, दुनिया में विद इन टू इयर्स एक्सचेंज ऑन जो है तो सिर्फ एक ही फार्मूले पे चलेगी आठ पे, और वो क्या होगा, या तो नंबर वन होगी एक्सचेंज या फिर दुनिया की ओनली वन होगी। ये बात याद, थैंक यू। आप लोग करें इसमें विकी, उन्होंने कहा था ज्वाइन करें। अच्छा इसमें मैं विकी के वाले से बता दूं, समीर को आप जानते ही हैं, तो ये आज जो एक्सचेंज हम लाइव की है इस एक्सचेंज को डेवलप करने में करवाने में ये सब जो है वो समीर चौधरी विकी जो है इसका हाथ है। क्यों? क्योंकि वो सीटीओ है इस कंपनी का और प्रोजेक्ट डायरेक्टर है एक्सचेंज ऑन का। आपको पता है एक्सचेंज ऑन जो है वो विकी हैंडल करता है उसके सारे मामला, तो सबसे ज्यादा मुबारकबाद जो है ना वो विकी को देते हैं, ठीक है, जिसकी एफर्ट से आज हमने इंगेज किया। बाबा विकी के बारे से दो लफ्ज कहते हैं जी कि विकी ने पूरी एक्सचेंज बनाई है और सारी विकी बहुत बहुत अच्छा काम किया है आपने एंड मैं मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ, ऑल द बेस्ट एंड कीप गोइंग। थैंक यू थैंक यू। ओके ओके आप लोग करें, ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू फॉर ऑल। मीटिंग चलती रहने दे, शादी कर ले सर कह रही हैं, बाकी हम लोग जी। आपने देखा आज जो था वो इनोवेशन फैक्ट्री का एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट और बहुत ही जिसे हम बैकबोन कह सकते हैं। आप सबको हम सबको पता है कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी के हवाले से उसकी जो यूजिबिलिटीज होती हैं उनकी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है और 95% से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, शायद 98-99% के करीब प्रोजेक्ट्स ऐसे रहे जो यूजिबिलिटीज को डेवलप करने में नाकाम रह जाते हैं और उनमें से हम ये समझते हैं कि बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने कभी उसकी ख्वाहिश ही नहीं की होती, यूजिबिलिटीज को बनाने की कभी कोशिश भी नहीं की होती। यानी अगर मैं इसको ये कहूं कि 99% लोग जब किसी भी क्रिप्टो को लॉन्च करते हैं तो सिर्फ वो बातों की हद तक यूज